मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विगत 2 नवंबर को गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जेल यात्रा अभी जारी ही रहने के समाचार है। आज भी अदालत से अनिल देशमुख को राहत नहीं मिली है। देशमुख की न्यायिक हिरासत फिर से 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही थी। अनिल देशमुख फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनसे 12 घंटे की लंबी पूछताछ भी की थी। यहाँ ये भी बता दे कि इस मामले की जांच के लिए इससे पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किए गए चांदीवाल आयोग ने भी अनिल देशमुख पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल ये जुर्माना इसीलिए लगाया गया था क्योंकि देशमुख के वकील बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से पूछताछ के समय बहस के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। ये जुर्माना सीएम राहत कोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि 2 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद देशमुख को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा था। इससे पहले ईडी द्वारा 5 बार समन भेजे जाने के बावजूद वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। किसी न किसी बहाने से वे पूछताछ से बचते रहे थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली पूछताछ पर सवाल उठाए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पूछताछ में सहयोग करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अनिल देशमुख पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में हाजिर हुए थे। अनिल देशमुख को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उनके मुंबई व नागपुर के कई ठिकानों पर छापे भी मारे थे। सीबीआई द्वारा उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। अब एक और जहां अदालत ने अनिल देशमुख की ज्यूडिशियल कस्टडी फिर 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर ईडी अनिल देशमुख के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। इससे ऐसा लगता नहीं है कि अनिल देशमुख को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है।